हेलो एवरीवन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास सिक्स की आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर थर्टी डेट है आपकी ट्वेंटी फाइव जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी वन आज की वर्कशीट का टॉपिक है आपका वर्ब उसे ही हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया है ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेंटेंसेज फर्स्ट सेंटेंस है आपका आई गो टू स्कूल एवरी कि मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ सेकेंड है आपका आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे मैं कल मार्केट गई थी थर्ड है आपका आई हैड गोन टू गोवा लास्ट ईयर ठीक है उसके बाद आपका बताया गया है कि इन द ऑफ सेंटेंसेज द थ्री फॉर्म ऑफ द वर्ब गो डेट इज गो वेंट एंड गौन आर यूज तो इन तीन सेंटेंसेस में आपके वर्ब के फॉर्म्स यूज किए गए हैं जैसे फर्स्ट में गो यूज़ किया गया है सेकंड में आपका वेंट यूज किया गया है और थर्ड में हमारा गौन यूज किया गया है ठीक है ये तीनों ही फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म वर्व की तीनों ही फॉर्म यूज़ की गई है वी कैन ऑब्जर्व डैट जैसे फर्स्ट सेंटेंस में हमने देखा कि गो गो हमें क्या बताता है टैलस अबाउट द एवरीडे एक्ट कि गो जो फर्स्ट फॉर्म है हमारे वर्व की वो हमें डेली के जो हमारे एक्ट होते हैं एवरीडे के उसके बारे में बताता है सेकेंड सेंटेंस में वेंट गो की ही सेकेंड फॉर्म वेंट यूज़ की गई है वेंट हमें क्या बताता है टेलस अबाउट द एक्ट ऑफ द पास्ट कि पास्ट में जो भी चीज़ हुई होती है उसके लिए हम सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं ठीक है ठीके? जैसे कि वेंट का यूज़ किया गया है थर्ड सेंटेंस है आपका जिसमें गो की थर्ड फॉर्म यानी कि गोन यूज़ किया गया है तो गोन हमें बताता है क्या बताता है टेलस अबाउट द एग डेट फिनिश्ड इन द पास्ट तो थर्ड फॉर्म हमें बताता है uh, जो काम पूरी तरह से फिनिश हो चुका है ख़त्म हो चुका है कब पास्ट में ठीक है उसके बाद है आपका गो इज़ द रूट जैसे फर्स्ट गो जो है आपका वो फर्स्ट फॉर्म है वेंट आपका सेकेंड फॉर्म है और गोन है वो हमारा क्या है थर्ड फॉर्म है जैसे आपके यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं वर्फ के कि गो वेंट गॉन फर्स्ट है आपका गो वेंट गॉन सेकेंड है आपका राइट रॉट रिटर्न थर्ड है आपका ड्रॉ ट्रू ड्रॉन ड्रौ, ठीक है उसके बाद आपकी आपके लिए कुछ एक्टिविटी दी गई है जैसे फर्स्ट टास्क है आपका देयर आर मैनी वर्व इन विच सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्व कैन बी फॉर्म बाय जस्ट एडिंग ई डी फॉर एग्जाम्पल तो बहुत से आपके वर्व के ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें सिर्फ ई डी लगाने से सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है जैसे फर्स्ट है आपका प्ले तो प्ले में आप ई डी एड कर देंगे तो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाती है तो प्ले प्लेड प्लेड जम्प 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 पेंट 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 फिर फोर्थ है आपका क्लोज 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 टच टच्ड टच्ड ओपन ओपनड ओपन ठीक है उसके बाद लास्ट है आपका नाउ लेटस लेटस मेक द अटेम्प टू कंप्लीट द टेबल बिलो जिसमें फर्स्ट है आपका स्पीक जिसका सेकेंड फॉर्म होगा आपका स्पॉक spoke और स्पोकन थर्ड सेकेंड है आपका फ्लाई फ्लू फ्लॉन रन रैन रन कम केम कम लाफ लाफ्ट लाफ्ट ठीक है तो ये थी आज की आपकी छोटी सी वर्व की वर्कशीट ओके